नमस्कार, इस बार आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, जहां योग कोच की बात की जाए, योग सहायक की बात की जाए, तो तमाम हरियाणा के योग जो शिक्षक हैं, कोच हैं, यहां पर एकत्रित हुए हैं। धरना प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं आज जो है मुंडन करवाया जा रहा है। जी हाँ, मुंडन करवाया जा रहा है ताकि जो है सरकार को जगाया जा सके और सरकार के संज्ञान में जो है मामला लाया जा सके। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि मुंडन जो है करवाया जा रहा है, सारे जो है बाल जरूर कटवाए जा रहे हैं। योग कोच की बात की जाए, तमाम व्यायामशालाएं जरूर बनाई गई थी, लेकिन वो जिस तरह से इन्होंने कहा कि खंडर पड़ी हुई है, तमाम व्यायामशालाएं खंडर पड़ी है और दो साल से इनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है। दो साल से ये लोग जो है बेरोजगार है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो है योग कोच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और योग के जो कोच है वो यहाँ पर मुंडन करवाते आपको नजर आ जाएंगे। जी हाँ, अपने सारे बाल उतरवा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि सरकार की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, उन पर ध्यान दे और यहाँ पर उनको जो है नौकरी मिल सके बात की जाए। 2019 से बताया जा रहा है कि लगभग दो सालों से ये लोग बेरोजगार हैं। अगर बात की जाए, दो सालों से कोई जो है इनके पास रोजगार नहीं है। तमाम लोग हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से जो है काम भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर उतरने को जरूर मजबूर है। पहले जो है इन्हें आयुष विभाग में बताया जा रहा है कि ट्रांसफ़र किया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर भी इनको नहीं लिया गया और उसके बाद से ये जो है बेरोजगार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग किस तरह से आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पर आज मुंडन जरूर करवाया जा रहा है। अगर बात की जाए करनाल में, जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है और आने वाली 22 तारीख को भी जो है योग दिवस आने वाला है, उस पर भी काली पट्टी बांध कर योग दिवस मनाया जाएगा। तमाम उन लोगों के द्वारा जो हरियाणा योग से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंडन जरूर करवाया जा रहा है। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा योग आयोग, मुंडन करवा रहे हैं, उनसे बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। मुंडन कराना शुरू कर दिया 2018 में 480 योग शिक्षक लगाए थे और 2019 सितंबर 2019 में उनको हटा दिया गया, ये कह के कि आपकी सेवाएं आगे से आयुष विभाग लेगा। पहले हम खेल विभाग में लगे थे और उसके बाद हमारी नियुक्ति नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। गृह मंत्री और सीएम साहब सबके पास हमने जा के देख लिया, हमारी नियुक्ति नहीं हुई, तो उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मुंडन करवा रहे हैं। गर्मी को देखते मुंडन कराया, इसमें सरकार का विरोध किया है, विरोध करने के लिए। तो क्या इससे लगता है कि भाई सरकार जागेगी आपके मुंडन करवाने से? जागना तो चाहिए जी, इतनी दो साल से तो आप लोग बेरोजगार हो। सुनवाई तो कोई नहीं हो रही उस दिन से। क्या लगता है मुंडन कराने का असर पड़ेगा सरकार पे? पढ़ना तो चाहिए जी, देखो अब क्या होता है। सर, अब तक कोई बातचीत हुई है प्रशासन के साथ आपकी? आज माननीय चेयरमैन साहब ने डेलीगेट बुलाए हैं बातचीत करने के लिए, आयुष विभाग और माननीय चेयरमैन साहब जो कि रजिस्ट्रार हैं आयुष विभाग में, तो उन्होंने बुलाया है कि भाई कुछ बातचीत करेंगे, तुम्हारा कुछ समाधान करेंगे, 4 बजे मीटिंग है, तो देखते हैं क्या होता है उसके बाद। तो फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुंडन जरूर करवाया गया है, आज जो है 4 बजे मीटिंग भी की जाएगी। अगर उसमें इनका कोई समाधान निकलता है तो ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बात की जाए तो ये तमाम योग कोच की बात की जाए, योग सहायकों की बात की जाए, ये लोग काफ़ी समय से बेरोजगार हैं। आयुष विभाग में इन्हें ट्रांसफ़र जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही ये लोग जो है बेरोजगार चल रहे हैं, वहाँ पर भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब जो है सरकार को जगाने के लिए मुंडन जरूर करवाया जा रहा है। फिलहाल 22 जून को योग दिवस
दिवस है। योग दिवस का भी जो है बहिष्कार करते हुए बताया जा रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उस पर काली पट्टी बांध कर जो है तमाम योग कोच की बात की जाए, काली पट्टी बांध कर विरोध अपना दर्ज करवाएंगे। आपसे अपील रहेगी वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, जहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि जिला सचिवालय के बिल्कुल सामने जो है ये धरना प्रदर्शन चला हुआ। फिलहाल जो है आने वाले समय में इस बात का पता चलेगा कि क्या ये लोग यहाँ से उठेंगे या नहीं, क्योंकि अगर बात की जाए करनाल की तो सीएम सिटी है, लेकिन हर रोज अगर बात की जाए तो कोई ना कोई यहाँ पर इसी तरह से धरना प्रदर्शन लगा रहता है। हर कोई अपनी मांग करता नजर आ रहा है। अगर बात की जाए तमाम लोग, तमाम युवाओं की बात की जाए, वो लोग तो बेरोजगार होते ही हैं, साथ ही साथ ये लोग एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद भी ये लोग अपने घर खाली बैठे और यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। आपसे अपील करूँगी वीडियो को शेयर करें और जो है आप अपनी राय भी इस मामले पर दे सकते हैं कि हर कोई जो अपना हक लेने के लिए धरना प्रदर्शन आजकल करता हुआ नजर आता है। तो आपसे अपील वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। फिलहाल 22 जून को जो है देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, जो हरियाणा सरकार भी मनाने वाली है, लेकिन उस टाइम ये लोग जो है काली पट्टी बांध कर देख सकते हैं मुंडन जो है करवा लिया है। जी हाँ, मुंडन करवा लिया गया। फिर अपील, वीडियो को शेयर करें और कमेंट कर अपनी राय इस बारे में जरूर दें। सामने आप देख सकते हैं कि योग कोच है, किस तरह से अपने सारे बाल जो है मुंडवा लिए हैं। जी हाँ, सारे बाल मुंडवा लिए हैं। आपसे अपील कर देगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। जी हाँ, शेयर जरूर करते रहे। तो बोला गया कि आयुष डिपार्टमेंट के अंदर समायोजित किया जाएगा और हमें आश्वासन देते रहे। सरकार ने हमें मजबूर किया रोड पे आने के लिए और हमसे जो चाहेगा वो करेंगे। हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए, क्योंकि हमने 8 साल योग फील्ड के अंदर दिए। जिस व्यक्ति का एक्सपीरियंस 8-9 साल का हो गया है, अदर फील्ड में जाके वो क्या कर सकता है। सभी बच्चों की एज भी निकली जा रही है। हम सरकार से पर्सनली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए, क्योंकि हमने 8 साल अपने जीवन के योग में दिए हैं। हम नेचुरोपैथी कोर्स कर चुके हैं, हम एमए क्वालिफाइड हैं, हमने ट्रेनिंगें इतनी सारी की हैं। सरकार चाहती है कि हम फ्री में सेवाएं देते रहें। क्या कोई फ्री में दे सकता है? सबकी अपनी फैमिली है, सबको पैसा चाहिए। हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। योगशालाएं बनाई हुई हैं। यस, योगशालाएं बनी हुई, जाके उनकी हालात देखिए आप। पैसे वहाँ चल रही है, खंडर बन गई है। सरकार ने इतना सारा पैसा तो लगा दिया, क्या वो पैसा हर व्यक्ति का नहीं है? जब देश हमारा है तो पैसे का हक सबका है, लेकिन सरकार इस बारे में नहीं सोच रही, योगी सभी सोच रहे हैं। आज व्यायाम सालों का हाल जाके देखिए आप। 4 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी, लेकिन उससे पहले योग टीचर अपना शिक्षक अपना मुंडन करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये योगी भाई मुंडन करा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने दिल से योग किया है, इन्होंने पढ़ाई की है उसके अंदर, अपने देश के अंदर घर घर तक योग पहुंचाने का कार्य किया है, लेकिन आज इनके हालात तक ये रोड पे हैं। तो सरकार को इस बारे में बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए, क्योंकि योग को इंटरनेशनल बनाया, विदेशों में योग सिखाया जा रहा है, लेकिन भारत के अंदर पढ़े लिखे बच्चों की नौकरियों से निकाल के रोड पे खड़ा कर दिया, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो हम पर्सनली रिक्वेस्ट करते हैं, हमें सरकार से कोई बहिष्कार नहीं है, हमें सिर्फ अपनी नौकरी वापस चाहिए, क्योंकि हमने अपने जीवन का समय दिया है 8 साल इसमें, तो हमें वापस चाहिए। और हमें लटका दिया गया कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से वहां से समायोजित आयुष में किया जाएगा, दोनों अपना कन्नी काट रहे और हमें लाके रोड पे खड़ा कर दिया। हम मजबूर हैं धरना करने के लिए भी, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे। और ये भाई हैं 13 तारीख से यहाँ पे बैठे इतनी गर्मी के अंदर, और इसी चीज को लेकर कि सरकार हमारी कुछ सुनाई करेगी। देख सकते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो है अपने मुंडन करवाते हुए नजर आ जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल अपील रहेगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते। ये तमाम वो योग शिक्षक है जो लगभग 8-8 साल के एक्सपीरियंस है, 8-8 साल जो है काम कर चुके हैं, अब जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जरूर यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कोई बातचीत जो है प्रशासन से नहीं हुई है, लेकिन ये बात देखने वाली है कि 22 जून को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने वाला है, तब ये योग शिक्षक जो है काली पट्टी बांध कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आपसे अपील करूंगी कि वीडियो को लगातार शेयर जरूर करते रहे। करनाल में तमाम जो है खबरें आपको इसीलिए दिखाई जाती हैं कि आखिर सीएम सिटी में क्या कुछ हलचल लगातार होती रहती है। आपसे अपील, वीडियो को शेयर करें। मैं आरती राणा से योगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।